गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो बस ये है मॉर्निंग का टाइम और आज डेट है 3 जनवरी। तो आज सुबह सुबह आरुष को स्कूल जाना था। एक्चुअली स्कूल तो कल ही खुल चुका था, लेकिन हमारी रूटीन अभी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी ना सोने उठने का, तो बस कल उसका स्कूल जो है वो स्किप हो गया था। तो आज बिल्कुल मैं टाइम से उठ के अपना मैं उसके सबसे पहले उसके टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो उसने मुझे रात को ही बता दिया था कि उसको आज टिफ़िन में ना लेकर जाना है आलू का पराठा। तो आलू तो मैं ऐसे ही बॉईल करके हमेशा फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि उसके लिए कब क्या बनाना पड़े कोई ठीक नहीं है। एंड आटा भी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रात को ही लगा लिया था। तो ये कुछ प्रिपरेशन जो होते हैं आप पहले से करके रख लेते हो ना, तो मॉर्निंग में आपको उतनी ज़्यादा हड़बड़ी या फिर बहुत ज़्यादा ना मतलब कि हेडेक नहीं होता कि हाँ ये भी करना है ये भी करना है। तो बस एक आलू ले लिया था, उसमें थोड़ा सा मैंने अजवाइन डाल दिया है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है, थोड़ी सी ना लाल मिर्च डालूंगी मैं, हरी मिर्च उसको मैं नहीं देती। तो थोड़ा सा कलर के लिए मैंने लाल मिर्च डाला है, वो भी देगी वाली जो कलर वाली मिर्च होती है। फिर थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर, बस हो गया। इसमें कोई प्याज धनिया जो मतलब प्याज नहीं डाला है, थोड़ा सा धनिया पत्ता डाला है फ्लेवर के लिए। आप इसकी जगह कसूरी मेथी भी यूज कर सकते हो, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एंड इन सबको मैं मिक्स करके उसके लिए बना लूँगी मैं एक पराठे, और उसके बाद उसके स्नैक्स में दूंगी मैं एक एप्पल काट के। तो बस यही था, सुबह सुबह ये करके उसके लिए मैं पराठे बनाऊँगी, फिर मैं उसको उठाऊँगी। नहीं, एक्चुअली मैं पराठे का जो आलू है ना वो बना के रख दूँगी, फिर मैं उसके लिए हॉर्लिक्स बनाऊँगी, फिर मैं उसको स्कूल जाने के लिए उठाऊँगी। Falling down, 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지. Yeah. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어. 언제까지나 it's alright. 내 안에 너만을 기억할 수 있는 순간이 바로 지금이야. और साथ में उसको दूंगी मैं जो फ्रूट ब्रेक होता है ना उसमें उसको मैं दूंगी एप्पल काट के। तो एप्पल का जो पील होता है वो उसको मैं हटा कर देती हूँ। उसको थोड़ा भी ना एप्पल में कुछ भी लगा नहीं रहना चाहिए, थोड़ा भी जो बीज वगैरह होता है ना कुछ भी नहीं लगा रहना चाहिए, तभी वो खाएगा, ऐसे तो नहीं खाता वो। और उसके बाद फिर वही पराठे जब थोड़े से ठंडे हो गए थे तो मैंने उसको स्क्वायर में काट दिया था ताकि उसको खाने में इजी हो। घर में तो चलो बना कर दे दो तो तोड़ तोड़ कर खा लेता है, बट अगर टिफ़िन के लिए हो तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट के दो ना तो बच्चों को खाने में थोड़ा सा ईजी होता है इसलिए। तो ये हो चुका है उसका टिफ़िन तैयार, उसको मैं पैक कर दूंगी। अब उसके बाद ना तब तक वो हॉर्लिक्स अपना ख़त्म कर चुका था, उसके बाद उसको मैं अभी ब्रश करा के फटाफट से नहाऊँगी, फिर नहा के मैं उसको स्कूल के लिए तैयार करूँगी। तो टिफ़िन मेरा उसका डन हो चुका है, मैंने उसका टिफ़िन तैयार कर दिया। अच्छा सॉरी बोल रहा हूँ। बाय बुगू, किसी से झगड़ा मत करना, साउट नहीं करना, ठीक है? लव यू। और साथ में ना जब आरुष स्कूल चला गया था, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे, सब फ्री हो गई थी, तो बस मुझे मसाले कुछ भरने थे। एक्चुअली ये मसाले ख़त्म मुझे करने थे क्योंकि मुझे ये साफ़ करना था इसलिए। तो फिर मैंने सोचा अभी थोड़ा भर देती हूँ, भरने के बाद फिर जो खाली होगा तभी मैं क्लीन करूँगी। और इधर मैंने सुबह सुबह लीसिया से ना चिकन ऑर्डर कर लिया था, तो चिकन आ चुका था, तो उसकी मैरिनेशन के लिए मैं अभी अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो पीस लूँगी और फटाफट से मैं चिकन को मैरिनेट करके छोड़ दूँगी। जब तक मैं घर के सारे काम करूँगी ना,
तक ये 2-3 घंटे में अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। तो ये ओनली लेग पीस लिया है मैंने, तो ये 700 ग्राम चिकन था, तो बस इसको अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने नींबू के साथ। उसके बाद मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है वो डालूंगी, और थोड़ा सा दही डालूंगी। अगर आपके पास फ्रेश दही है तो अच्छी बात है। तो इसको ना क्या होता है, चिकन वगैरह अगर आप बनाओ ना तो मैरिनेट करके आप 2-3 घंटे ऐसे छोड़ दो ना, ओवरनाइट छोड़ो तो और भी जूसी टेस्ट आता है, पर थोड़ी देर ना अगर मैरिनेट करके छोड़ दो तो उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग आता है। तो बस इसमें अभी डाल दिया है मैंने दही, और दही के बाद जो बेसिक मसाले होते हैं वो डालना है। जैसे मैंने इसमें डालूंगी मैं अभी नमक डालूंगी, नमक मैंने अभी 1 चम्मच ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी डाला है, और अभी जो तीखी वाली मिर्च होती है ना वो मैं यूज़ नहीं करती, ये कलर वाली देगी मिर्च है ना वही यूज़ करती हूँ, क्योंकि आरुष भी खाता है ना थोड़ा बहुत सब कुछ, तो इसलिए वो उसको ना ज़्यादा स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। उसके बाद 2 से 2.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर इसमें डाले थे भर के, और 1 नींबू का रस, थोड़ा सा गरम मसाला, और उसके बाद जो ऑयल होता है जो भी आप ऑयल यूज करते हो, तो मैं मस्टर्ड ऑयल यूज करती हूँ, तो मैं मस्टर्ड ऑयल इसमें डालूंगी, और थोड़ा सा ना शाह जीरा जो होता है वो शाह जीरा भी डालना है, और उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला और कसूरी मेथी भी मैंने इसमें डाला था। अब इन सारी चीज़ों को डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है और मैरिनेशन के लिए छोड़ देना है। चिकन को मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया था मैंने, उसके बाद मैं लग गई थी घर के और भी काम में। सुबह में इतने सारे काम होते हैं ना, सबसे पहले मैंने जो लिविंग एरिया होता है वो क्लीन किया था, पूरा सोफ़ा वगैरह सब कुछ, क्योंकि जिनके घर में बच्चे होते हैं ना उनको अच्छे से पता होगा कि आपके घर की हालत मॉर्निंग में कैसी होती है, तो आप देख सकते हो। तो फटाफट से ये सारा क्लीन करूँगी, फिर मैं बेडरूम में जाऊँगी। डस्टिंग वगैरह तो रोज़ लगा ही रहता है, एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि आप डस्टिंग नहीं कर सकते हो, सब कुछ अच्छे से क्लीन कर लो सब कुछ, लेकिन फिर आपके घर की हालत सेम टू सेम वैसी की वैसे ही हो जाती है। जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना तो वो चीज़ तो होती ही होती है। तो बस ये इधर लिविंग एरिया मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था, फिर मैं आ गई थी बेडरूम में, बेडरूम क्लीन करूँगी। उसके बाद पूजा वाला रूम जो होता है वो मैं क्लीन कर लिया था मैंने ऑलरेडी, चिकन छूने से पहले ही मैंने सारा क्लीन कर लिया था। उसके बाद फिर वही झाड़ू पोछा करना है, उसके बाद मैं नहा लूँगी, नहाने के बाद तभी मैं लंच बनाऊँगी। Falling down, 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가버렸지. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어. 언제까지나 it's alright 내 안에 너만을 아루스 스쿨 रहता है ना तो फिर मुझे झाड़ू पोछा करने वगैरह में ना बहुत इजी होता है, क्योंकि उसको ना मतलब घर में कोई होता नहीं, हस्बैंड ऑफिस होते हैं, आरुष स्कूल होता है, तो घर पूरा खाली रहता है। तो फिर फटाफट से मैं जो उन दोनों के घर से जाने के बाद ना सबसे फर्स्ट मैं क्लीनिंग का ही काम डन करती हूँ। जैसे कि दाल वगैरह बनाना होता है तो वो मैं बना के रख लेती हूँ, कटिंग चॉपिंग करनी होती है सब्जी की तो वो मैं करके रख लेती हूँ, उसके बाद क्लीनिंग करके तभी लंच बनाती हूँ। तो बस मेरा झाड़ू पोछा डन हो चुका था, मैंने नहा के पूजा वूजा कर लिया था, उसके बाद आ गई थी मैं किचन में बनाने के लिए चिकन। तो बस एक कढ़ाई ले ली थी, उसमें डाल दिया मैंने सरसों का तेल, और उसके बाद 1 तेज़पत्ता, 3-4 सूखी मिर्च, दाल, चीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, और जितने भी खड़े गरम मसाले होते हैं स्टार फूल वो सब कुछ। उसके बाद मैंने इसमें डाला है जीरा, और जब ये अच्छे से तरक जाएगा फिर इसमें डाल दूंगी मैं प्याज। बहुत सिंपल सी चिकन जो होता है ना, बहुत सिंपल सा चिकन मैंने बनाया था फटाफट, और सच मानिए ये चिकन मेरा 10 मिनट में बनके तैयार हो गया था, क्योंकि अगर आपका प्याज पहले से कटा होना और जो चिकन मैरिनेट हो पहले से तो चिकन बनने में बिल्कुल भी नहीं टाइम लगता है।
तो आरुष और उसके पापा स्कूल से आ गए थे ना, उसके बाद ही मैंने फटाफट से बनाना स्टार्ट किया था। 10 मिनट के अंदर मेरा चिकन डन था। बस उसके बाद जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो मैंने डाल दिया है, इसको भी मैं अच्छे से चला दूँगी और 2-3 बार ना थोड़ा सा ढक ढक के। ऐसे ही चिकन तो 5 मिनट में ऐसे ही भून जाता है वो, और लेग पीस तो वैसे भी बहुत सॉफ्ट होता है तो उसको आपको ज़्यादा चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और ज़्यादा ना उसको भूनने भाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, तो इसलिए मैंने फटाफट से कढ़ाई में बनाया था। और आज चिकन की क्वांटिटी ना ज़्यादा थी भी नहीं, 700 ग्राम ही था, ओनली लेग पीस लिया था मैंने इसलिए। तो बस ऐसे ही भूनते भूनते फटाफट से मेरा चिकन जो है वो बन के तैयार हो गया था। और चिकन में थोड़ा सा नमक और ऊपर से मैंने ऐड किया था, क्योंकि नमक जो मैंने मैरिनेशन में डाला था ना बस 1 ही चम्मच डाला था इसलिए, और थोड़ा सा ऊपर से चिकन मसाला है मैंने ऐड कर दिया। और अभी देख सकते हो ये चिकन भून के कितना अच्छा तैयार हो गया। इसी टाइम में ये बिल्कुल पक चुका था बट थोड़ा सा ना ये थिक लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा इसमें गर्म पानी ऐड कर दिया था लास्ट में, और मेरा चिकन उसके बाद फटाफट से बन के तैयार हो गया था और हमारा लंच जो होता है वो कम्प्लीट हो गया था। तो ये था मेरा आज का छोटू सा ब्लॉग। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने डेली के ब्लॉग लेके आ रही हूँ और हर चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। मैं अपने जो रेसिपी खाना बनाती हूँ वो शेयर करती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने रूटीन शेयर करती हूँ, सारा काम मैं अकेले कैसे मैनेज करती हूँ, बच्चा घर सब कुछ मैं अकेले मैनेज करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं।